हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। वेलकम टू दिस चैनल सविता ट्यूटोरियल्स। सो आज की वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। इस बुक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीएसटीसी 131 के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इजी नोट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, बीएसटीसी 131। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और काफ़ी इजी अप करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पर अगर आप नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी ईजी नोट्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ ला सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, आदिकालीन सिद्ध काव्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आदिकालीन सिद्ध काव्य, देखिए सिद्ध काव्य से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सिद्ध काव्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। कलेक्टिवली ये क्वेश्चन भी आता है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उसमें आपको सभी जितने भी सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य, उन सबके बारे में बताना होता है थोड़ा थोड़ा सा। बट सेपरेटली सिद्ध काव्य, नाथ काव्य के बारे में अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। 10 मार्क्स में भी आ सकता है और नोट्स करके, ठीक है, टिप्पणी कीजिए, नोट्स बनाइए इस तरह से, या फिर 20 मार्क्स में लॉन्ग में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर होगा, जो आदिकालीन सिद्ध साहित्य, सिद्ध काव्य साहित्य की प्रमुख विशेषता हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की ब्रज यानी शाखा से है। सिद्ध साहित्य कहाँ से है? बौद्ध धर्म के ब्रज यानी शाखा से है। ठीक है, ये भारत के पूर्वी भाग में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, पूर्वी भाग में। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती थी। प्रमुख सिद्ध कवि जो हमारे थे वो थे सहरपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बीपा, कन्हप्पा, कुकुरिप्पा आदि, ये सारे सिद्ध कवि थे। इन कवियों के नाम के पीछे पा शब्द खड़ा है। सहरपा हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि माने जाते थे और ये सिद्ध कवि अपने काव्य का प्रचार जनभाषा में करते थे। ठीक है, तो सिद्ध कवि थे, इनका जो प्रमुख प्रथम कवि माने जाते थे वो थे सहरपा, और इनके सभी के नाम के पीछे पा अक्षर जुड़ा हुआ था। ठीक है, अपनी जो कविताएं, काव्य था उसका प्रचार ही जनभाषा में ही करते थे। इन सभी कवियों ने आदिकालीन सिद्ध साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया। आदिकालीन जो साहित्य है उस समय ये लिखते थे। ठीक है, तो इनकी जो साहित्य की, सिद्ध साहित्य की जो विशेषताएँ थी उनको हम लिख सकते हैं कि पहली विशेषता थी जो ये सिद्ध साहित्य था, ये जीवन की सरलता और सहजता पर विश्वास करते थे। दृढ़ विश्वास था इनका जीवन की सरलता और सहजता, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि जीवन की सरलता और सहजता पर काफ़ी दृढ़ विश्वास था इनका। सिद्ध कवि ने हमेशा ही जीवन की सहजता, सरलता पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। सिद्धों ने कृत्रिमताओं का विरोध किया, मतलब जो नकलीपन, दिखावा होता है ना, उसका हमेशा ये विरोध करते थे। कहते थे कि जैसे सरल सीधापन ये ज़्यादा इनको अच्छा लगता था। ठीक है, जीवन की स्वाभाविकता, जो स्वाभाविकता है वो इनको, उस पर बल देते थे। उनके अनुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए इन कवियों ने सहज मार्ग का प्रचार भी किया, जो सहज सुख है वही अंतिम सुख है, ऐसा ही समझते थे। और इसके लिए इन्होंने सहज मार्ग के लिए प्रत्येक नारी को प्रज्ञा और प्रत्येक नर को करुणा का प्रतीक माना था। अतः नारी मिलन प्रज्ञा और करुणा का, निवृत्ति और प्रवृत्ति का मिलन कहते हैं, ऐसा ये मानते हैं कि नर और नारी का जो मिलन है वो निवृत्ति और प्रवृत्ति का मिलन है। दोनों ही अवैधता का महासुख की स्थिति है, तो मतलब सहजता पर ज़्यादा ये करते थे। गुरु महिमा का प्रतिपादन, देखो गुरु महिमा का प्रतिपादन का मतलब है कि गुरु महिमा का बखान करते थे ये, उसके बारे में बात करते थे, गुरु महिमा पर विश्वास करते थे। सिद्ध कवियों ने गुरु महिमा का पर्याप्त वर्णन किया है। सिद्धों के अनुसार गुरु का स्थान वेद शास्त्रों से भी ऊंचा है। ठीक है, सिद्ध कवि मानते थे कि जो गुरु है उनका जो स्थान है वो शास्त्रों से भी, वेदों से भी ऊंचा है। ठीक है, सहरपा सिद्ध कवि के अनुसार गुरु की कृपा से ही सहज आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, सहज आनंद लिखा हुआ है यहाँ पर, सहज आनंद की प्राप्ति होती है। अगर गुरु की कृपा हो तो आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिसने गुरु उपदेश का अमृत पान नहीं किया वह शास्त्रों की मरुभूमि में प्यासा ही मर जाएगा। मतलब बिना गुरु के ज्ञान नहीं, कहने का ये मतलब है कि अगर गुरु की उपदेश नहीं सुना है तो शास्त्र भी उसको समझ नहीं आने वाले हैं। तो इस तरह से गुरु की महिमा का इन्होंने
पर्याप्त बखान किया था। और नंबर तीन है आपका ब्रह्मा आडम्बरों पाखंडों और पाखंडों की कटु आलोचना, मतलब जो आडम्बर थे ना, दिखावा पाखंड करना, इन सब की कटु आलोचना करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा निंदा करते थे। सिद्ध कवियों ने आडम्बर परंपरा, पुरानी रूढ़ियाँ और पाखंडों का जमकर विरोध किया था, इनकी निंदा की थी। इन्होंने वेद पुराणों और शास्त्रों का भी विरोध किया था। तो मतलब इनको विश्वास नहीं था शास्त्रों में, पुराणों में और दिखावेपन में, ठीक है। इनका ये कहते थे कि सहजता सरलता ही जीवन है। दिगंबर साधुओं को लक्ष्य करते हुए इन्होंने कहा था एक बारी कि यदि नंगे रहने से मुक्ति हो जाए तो सियार कुत्तों की मुक्ति भी अवश्य होनी चाहिए। इससे कहने का मतलब ये है कि ये दिखावा है सब कुछ, ठीक है। तो इनको दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तत्कालीन जीवन में आशावादी संचार, मतलब जो उस समय का जीवन था, तत्कालीन जीवन, उसमें इन्होंने आशावादी विचारों का संचार किया था, ठीक है। आशावाद लाया था, पॉजिटिविटी लाई थी। हिंदी साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, ठीक है, लिखा है कि उस समय की जो जनता थी ना, वे पराजय पतन इन सब चीज़ों से क्या हो चुकी थी, निराशावाद में गिर चुकी थी। उनके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया, मतलब उस समय इन सिद्धों ने क्या किया, उनके लिए एक पॉजिटिविटी जैसी लाई थी, निराशावाद से, अंधकार से उनको निकाला था बाहर, ठीक है। और क्या है इस काव्य की विशेषता, श्रृंगार और शांत रस। इस कवियों की रचना में श्रृंगार और शांत रस का सुंदर प्रयोग मिलता है। कहीं कहीं पर उत्पात श्रृंगार, उत्थान श्रृंगार रस का चित्रण भी हुआ है, ठीक है। जनभाषा का प्रयोग, जैसे कि हमने पहले बताया, सिद्धों की जो रचनाएं हैं संस्कृत का अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनकी भाषा को जनभाषा कहा है, मतलब जनभाषा में अपना कविताएं लिखते थे। निष्कर्ष में हम दे सकते हैं कि सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का एक सही दस्तावेज है, मतलब काफ़ी सही है इनका वो। इनमें प्रवृत्ति, इनकी जो प्रवृत्ति थी वो सहज और सरल थी। इनकी इसी प्रवृत्ति ने स्वच्छंदता को जन्म दिया था, ठीक है। स्वच्छंद विचार थे इनकी, जो कहते थे वो कह देते थे ये बस। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि सिद्ध काव्य की क्या विशेषताएं हैं, सिद्ध काव्य के कवि कौन थे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।